ବଡ଼ ଦେଉଳ ଚୁମ୍ବକକୁ ନେବ ଯେ ରୁଷିଆ, ବିଲାତରୁ ଚୁମ୍ବକ ଯେ ଆଣିବ ରୁଷିଆ। नमस्कार दोस्तों, जय जगन्नाथ, जय पंचसखा। आशा करता हूँ सब लोग स्वस्थ हैं, अच्छे हैं। आज का नया एपिसोड आरंभ करते हैं। ବଡ଼ ଦେଉଳ ଚୁମ୍ବକକୁ ନେବ ଯେ ରୁଷିଆ, ବିଲାତରୁ ଚୁମ୍ବକ ଯେ ଆଣିବ ରୁଷିଆ। अर्थात गुरु अरक्षितदास महागुप्त पद्मकल्प ग्रंथ में ये वर्णना किया है कि एक समय में रशिया एक मैग्नेट चुंबक को विदेश से कहीं से लेके आएगा। आगे गुरुदेव लिखते हैं, बाईसी मोहन चुंबक सेठारे रहिची, बिलातरे राजा ने चुंबक रखी अच्छी। अर्थात 22 महण, महण तो इसका अर्थ जितना मुझे मालूम है ज़्यादा, मतलब अत्यधिक महण। 22 महण अभी के ज़माने में क्या कितना अमाउंट होता है ये तो मालूम नहीं, लेकिन एक बहुत बड़े चुंबक को इधर वर्णना किया गया है। तो क्या लिखा है कि रशिया एक बहुत बड़ा चुंबक को फॉरेन कंट्री से कहीं से लेके आएगा। आगे गुरुदेव लिखते हैं, ବିଲାତରୁ ଚୁମ୍ବକ ଯେ ଆଣିନ ରୁଷିଆ, ବଡ଼ ଦେଉଳ ପାଖରେ ହୋଇବ ଯେ ଠିଆ। ଅର୍ଥାତ୍ ବିଦେଶ ସେ ରଷିଆ ଏକ ମ୍ୟାଗ୍ନେଟ ଏକ ଚୁମ୍ବକ ଲେ ଆଏଗା, ଫିର ଉସକୋ ଲାକେ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ପୁରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର କେ ସାମନେ ଖଡ଼ା ହୋ ଯାଏଗା। ଆଗେ ଗୁରୁଦେବ ଲିଖତେ ହେଁ, ଜାହାଜରେ ନେବ ସେହି ଚୁମ୍ବକକୁ ତହିଁ, लुचाई नहीं जीवरात्र रे से नहीं। अर्थात ये जो चुंबक है इसको जहाज में, पानी के जहाज में कोई लेके गया होगा चोरी करके रात्रि के समय। तो ये चीज़ क्या, इसका अर्थ क्या है? अगर हम इतिहास पे नज़र डालें, कोणार्क का सूर्य मंदिर के ऊपर कुछ ऐसा ही एक चुंबक लगा था जिसके वजह से कोई भी जहाज ओडिशा पे आक्रमण नहीं कर पाता था। अगर कोई जहाज ओडिशा के कोस्ट के नज़दीक आता था तो इसी चुंबक के द्वारा उसका जो मैग्नेट रहता है कॉम्पास का, वो घूम जाता था और जहाज को पता नहीं चलता था उसका पोजीशन कहाँ पे है। उसी मैग्नेट को पोर्तुगल के सेलर्स ने चोरी करके रात में लेके गए थे। जी हाँ, अगर इतिहास में देखें तो ये सब दर्ज है कि पोर्तुगल के कुछ सेलर आक्रमण करके गोवा के बाद अगर पोर्तुगल ने दूसरा कहीं आक्रमण करने का चेष्टा किया तो वो था ओडिशा पे, ओडिशा के कोणार्क पे, जहाँ पे कोणार्क में सूर्य मंदिर था। तो जब ही देखे पुर्तगाल सेलर्स ने कि उनका कॉम्पास काम करना बंद कर दे रहा है, तो वो लोगों ने ढूंढने की कोशिश की इसका रीज़न क्या है। फिर नज़र डाला कि एक आसमान गगनचुंबक एक इमारत दिख रही है, फिर उसको बाइनोकुलर से देखा, टेलीस्कोप। वो टाइम में तो बाइनोकुलर्स नहीं थे, बहुत लंबा सा टेलीस्कोप जैसा रहता था, दूरबीन और लंबा सा रहता था, बांस जो रहता है बैम्बू उससे बनता था, आगे एक कांच रहता था, बीच में एक कांच रहता था और आखिर में एक कांच रहता था। उसके थ्रू से देखते थे दूर की चीज़ें, नज़दीक हम देखते थे। एक कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर का थ्योरी है, जो लोग पढ़े होंगे मालूम होगा, सिंपल थ्योरी है, कुछ ज़्यादा विज्ञान नहीं है इसमें। तो उसके थ्रू जब भी उन्होंने देखा तो कोणार्क सूर्य मंदिर के ऊपर एक लगा बहुत बड़ा मैग्नेट को देखा। तो इनको फटाक से उसका कैप्टन, जहाज का जो कैप्टन था, उसको पता चल गया कि इसी मैग्नेट के वजह से सब कुछ हो रहा है, तो उसको चोरी करके हम लोग पुर्तगाल लेके चले जाते हैं, बाद में कभी काम में आएगा। तो उसको रात्रि टाइम में, रात में हमला किए, मंदिर को तोड़े, फिर लेके चले गए। उसी के बारे में गुरु अरक्षितदास ने हिंट दिया है। देखिए कितने चालाकी से गुरुदेव ने लिखा है, इधर लिखा कि रशिया विदेश से वो मैग्नेट को लेके आएगा, फिर बीच में ये भी लिख दिया कि रात्रि काल में जहाज में भर के उसको चोरी करेंगे ताकि सब लोग कंफ्यूज हो जाए।
ये समझना पड़ेगा, ये सब हिंट के द्वारा लिखा गया है। गुरुदेव ने इतना स्पष्ट रूप से तो लिखा नहीं है कि सामान्य व्यक्ति इसको समझ पाए। इतिहास को जानना पड़ेगा कि क्या क्या हुआ था, फिर लिंक्स सब मिल जाता है। तो उसके हिसाब से रशिया पुर्तगाल से वो मैग्नेट लेके आएगा। देखिए उस टाइम में तो पुर्तगाल लेके गया था, लेकिन उसके बाद ब्रिटिशर ने पुर्तगाल पे कैप्चर कर लिया था। तो मुझे तो लग रहा है ये और कहीं नहीं है, ब्रिटिश म्यूज़ियम में है, ब्रिटिश नेशनल म्यूज़ियम जो कि लंदन में है, हाँ वहीं पे सब कुछ रखा हुआ है। आगे भी बात करेंगे क्या क्या रखा है, क्या वो वापस लेके आएंगे। एक हमारे व्यूअर ने, एक अच्छे व्यूअर ने हमको प्रश्न पूछा था कि कौशिक मणि जो कोहिनूर हीरा है, मयूर सिंहासन है, वो मयूर सिंहासन आप सर्च कीजिए, कौन से राजा का मयूर सिंहासन ब्रिटिश लोग ने चोरी किया था, वो सब वापस कब आएगा, आएगा तो कौन लेके आएगा, बलदेव लाएंगे, कल्कि लाएंगे, कौन लेके आएंगे, वो सब मालिका में लिखा है। धीरे धीरे हम आगे बढ़ रहे हैं तो धीरे धीरे वो सब के बारे में भी चर्चा करेंगे। अभी आते हैं रशिया के ऊपर। तो लिखा है कि रशिया वो विदेश से मैग्नेट लेके आएगा, और वो मैग्नेट पहले का इतिहास के बारे में गुरु अर्कित दास ने लिखा है कि पुर्तगाल ने उसको जहाज में भर के चोरी करके रात्रि काल में कोणार्क से लेके गया था, उसी मैग्नेट को लेके आएगा। उसके बाद गुरुदेव लिखते हैं, छत्तीयारे चोरी मारिबो ए कथा प्रमाण, दरघड़ा देउल जे रहिथिब जान। अर्थात छतिया में जो मंदिर का शीर्ष भाग होता है, हम ओडिया में उसको दधिनौती बोलते हैं, कोई उसको चूली बोलते हैं, तो मंदिर का जो चूल रहता है सबसे ऊपर वाला पोर्शन, उसको कौन लगाएगा? छतिया मंदिर में जो जगन्नाथ धाम है वहाँ पे रशिया इस मैग्नेट को लगा देगा। आगे गुरुदेव लिखते हैं, चूड़ी को मारिब सही देउल उपरे, जगन्नाथ को रखी छतिया देउल भितरे। अर्थात रशिया तीनों महाप्रभु यानी जगन्नाथ जी, माँ सुभद्रा जी, बड़े भाई बलभद्र जी के जो उडन डीटीज हैं दारू विग्रह, उनको लेके छतिया के अंदर, छतिया में जो जगन्नाथ मंदिर बना है, जो स्वयं गुरु हरिदास जी का समाधि स्थल है, वहाँ पे लेके रख देगा। उसके बाद क्या करेगा, मैग्नेट को लेके छतिया मंदिर के ऊपर लगा देगा। उसके बाद गुरुदेव लिखते हैं, सातों दिन सातों रात्र रही बेटी पुण, छतिया होइब पूरी क्षेत्र जे प्रमाण। अर्थात सात दिन सात रात, याद रखिए सात दिन सात रात, पंचसखाओं ने लिखा है कि जगन्नाथ जी छतिया धाम में रहेंगे और भक्त लोग आनंद लेंगे स्वयं सिक्षेत्र का, जैसे अभी पूरी सिक्षेत्र आप देख रहे हैं, स्वयं सेम टू सेम क्या, पूरा वही चीज़ आप देखेंगे छतिया धाम में। कितना दिन? सात दिन सात रात, सेवन डेज सेवन नाइट्स। तो प्रश्न इधर एक आता है कि रशिया वो चुंबक को लेके छतिया के मंदिर के ऊपर क्यों लगाएगा, उसको क्यों फिक्स करेगा, इसकी ज़रूरत अभी क्यों पड़ गई? देखिए दोस्तों, जब ये सब वो चीज़ हो रहा होगा, जैसे कि मैंने पिछले बहुत सारे एपिसोड्स में धीरे धीरे करके आपको समझाते जा रहा हूँ, जो भाई बहन मेरे वीडियोज़ को बिना स्किप किए ही पूरा देखते हैं, खाली उनको ही ये सब चीज़ें समझ में आएगी। तो मैंने कहा था कि त्रिजटा वंश का जो राजकुमार है, यानी मैं तो मजाक में बोल रहा हूँ, राजकुमार जो है वो तो मालूम है, मैंने बोल दिया था, तो वो क्या करेगा, विद्रोह करेगा। किसके साथ मिलके? इस्लामिक राष्ट्रों के साथ मिलके विद्रोह करेगा और भारत के ऊपर शासन करने का प्रयास करेगा। उसके बाद उसी युद्ध के दौरान जब भी पूरा देश पे इस्लामिक राष्ट्र का कब्जा हो चुका होगा, सिर्फ एक जगह को छोड़ के, वो है ओडिशा। फिर भी ओडिशा में जब भी लास्ट आक्रमण होगा तो समुद्र का जल उठेगा और जगन्नाथ जी को रसिया लेके
छतिया आ जाएंगे। इसीलिए आएंगे क्योंकि जगन्नाथ जी को रशिया सेफ चाहता है, सुरक्षित चाहता है। आगे गुरुदेव क्या लिखते हैं, घोड़ा घोड़ा चढ़ी प्रभु ग्राम रे बुलिबे बार हाथ खंडा धरी बुलाउण थिबे, अर्थात सफेद घोड़े पे चढ़ के स्वयं कल्कि प्रभु बारह हाथ का तलवार लिए निकलेंगे मैदान में। मैंने आपको पहले कह दी थी इसका अर्थ क्या है, सफ़ेद घोड़े का अर्थ क्या है और बारह हाथ जो स्वर्ण तलवार है उसका अर्थ क्या है। आगे गुरुदेव लिखते हैं, सातों दिनों चढ़ी प्रभु बुली बेजे देश बारह हाथ खंडा धरी थिबे निजे जगन्नाथ, अर्थात सात दिन खुद कल्कि जी घोड़े पे चढ़ के पूरे देश में घूमेंगे। आगे गुरुदेव लिखे हैं, म्लेच्छ संहार करिबे प्रभु पितवास यही बेले कलिजुग होइबो जे शेष, अर्थात इसी समय प्रभु कल्कि जी म्लेच्छ संहार करेंगे और कलयुग को अंत कर देंगे। आगे गुरुदेव लिखते हैं, द्वापर रे रुषिया मागिथिला एही बर छेरा पोरा देबोई मुहि ए कलिजुगर, अर्थात द्वापर युग में रशिया महाभारत के काल में पांडव की तरफ से लड़ रहा था। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने, रशिया जो है द्वापर युग में पांडव की तरफ से लड़ रहा था। इसीलिए श्री कृष्ण जी ने इसको वरदान दिया था कि तुम कलयुग में मेरा जो जगन्नाथ जी का अवतार है उसमें जो रथ यात्रा होता है उसमें तुम झाड़ू मारोगे। तो कुछ लोग को हंसी आ रही होगी, ये क्या झाड़ू क्यों मारेंगे, इस झाड़ू में क्या पावर है भाई, इस झाड़ू का क्या चक्कर है। तो दोस्तों, ये जो झाड़ू मारने का परंपरा है जिसको हम राजाओं का परंपरा कहते हैं ओडिशा में, क्योंकि जगन्नाथ जी है स्वयं परम ब्रह्म और हम उनके नीचे हैं। तो इस ओडिशा राज्य में जो भी राजगद्दी को संभालता है तो वो होता है जगन्नाथ जी का सेवक, क्योंकि राजा सिर्फ एक ही है, उनका नाम है जगन्नाथ और सब उनके सेवक ही हैं। तो ये जो सेवक होते हैं, जब ये रथ यात्रा निकलती है हर साल, उसी रथ यात्रा में प्रभु जब भी रथ पे विराजमान होते हैं उसके बाद ही राजा सोने की झाड़ू से झाड़ू मारता है रथ को, ताकि आगे रथ को बढ़ाया जाए और प्रभु आगे बढ़े। तो उसी कर्म को पूरा करने के लिए रशिया फिर से आएगा। और खाली इसलिए नहीं दोस्तों, 13 मुस्लिम राष्ट्र चाइना के साथ जब ही भारत पे आक्रमण करके 90% इंडिया को कैप्चर कर लेंगे, तभी इस रशिया के उस पुतिन को चिंता होगी कि मेरे प्रभु का क्या होगा। इसीलिए 1 लाख बिटकॉइंस देके त्रिजटा वंश का जो राहुल गांधी है, नाम खोल के बोलता हूँ, इनका अंत तो होगा, इसीलिए नाम खोल के बोलता हूँ, इस राहुल गांधी को 1 लाख बिटकॉइन इसी रशिया के द्वारा दिया जाएगा, फिर परमिशन दिया जाएगा कि तुम जगन्नाथ जी को लेके रशिया चले जाओ। लेकिन रशिया जब ही बैर स्टेशन पे पहुँचेगा, क्योंकि जहाज जो है वो पारादीप बंदरगाह पे, रशिया का वॉरशिप पारादीप बंदरगाह पे वेटिंग में होगा ताकि जगन्नाथ जी को लेके रशिया चला जाए, इसीलिए वो क्या करेगा, रशिया छतिया तक लेके आएगा। लेकिन उस पागल को क्या मालूम, ये तो प्रभु का कूटनीति है, ये तो प्रभु का नियम है। तो रशिया क्या करेगा, वही बैरी स्टेशन पे जब इंजन टूट जाएगा, ब्लास्ट हो जाएगा, तो भक्त लोग उसको छुपा के दारू विग्रह को लेके छतिया धाम में रख लेंगे छुपा के। उसके बाद रशिया को पता चलेगा, फिर भागे भागे प्रभु के पास आएगा, फिर उनको खेमा प्रार्थना करेगा कि प्रभु मुझसे गलती हो गई, प्रभु मुझसे गलती हो गई, मैं यहाँ से आपको नहीं ले जाऊँगा, लेकिन मुझे आपके कर्म में शामिल कर लो। ये बात सुनने के बाद रशिया क्या करेगा, मैग्नेट जो चुंबक है, जो कोणार्क सूर्य मंदिर के ऊपर एक दुनिया का सबसे ताकतवर चुंबक लगा हुआ था, उसी चुंबक को छतिया के मंदिर के ऊपर लगा देगा, ताकि
कोई भी जहाज अंदर आ ना पाए। उस समय में जब ये युद्ध होगा तो कुछ सैनिक, कुछ एनिमी, कुछ शत्रु केंद्रापड़ा से देके जो कैनल्स हैं, जो कैनल्स पहले के ज़माने में थे, उसी के थ्रू छोटे छोटे नाव में हमला करेंगे ओडिशा पे। जी हाँ, कुछ ऐसा है, ये सब चीज़ गुप्त चीज़ है, मैं आगे और नहीं बोलना चाहता क्योंकि बहुत महागुप्त चीज़ें हैं, कोई नहीं रोक सकता, ये सब प्रभु की लीला है। लेकिन हम वो सब इतना महागुप्त चीज़ें बोल के वो सब पाप क्यों अपने सर पे ले ले? जितना हमको जानकारी चाहिए हम उतना जान लेते हैं, जितना हमको उद्धार होने के लिए चाहिए, बाकी जो जो होगा वो तो प्रभु के ऊपर है, वो अपना आएंगे, कर्म करके चले जाएंगे, कुछ ही गिने चुने लोग उनको देखेंगे और स्मरण करेंगे, गिने चुने लोग, सब लोग तो देख नहीं पाएंगे क्योंकि सब लोग तो ख़त्म हो जाएंगे, 90% मैंने आपको बोल दिया था ख़त्म ही हो जाएंगे। तो दुख की बात है, ये सब होने वाला है, कुछ ही दिनों में होने वाला है। और अगर आप लोग डेली न्यूज़ चैनल देख रहे होंगे तो आप तो पूरा लिंक कर चुके होंगे, क्योंकि हर दिन मैं 3-3 वीडियो देता हूँ, वीडियो देने के बाद आप लोग तुरंत ही कुछ दुर्घटना देख जाते हैं जो कि मालिका के साथ लिंक्ड है। ये सब प्रभु का लीला है दोस्तों, समझ हमारे समझ से परे है। आगे एपिसोड्स में और भी अच्छे अच्छे टॉपिक्स पे चर्चा करेंगे। आशा करता हूँ मेरी वीडियोस आपको पसंद आती हैं, लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। जय जगन्नाथ, जय पंचसखा, जय हिंद।